तो गाइस आगे जो आप क्लिप देखोगे ना वो हॉस्पिटल की क्लिप है, वो मैंने शूट नहीं किया है फॉर अ वीडियो पर्पस। मैंने किया था इसलिए कि आजकल हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं और ऐसा कुछ एक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है। आप देखते ही आजकल छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है। एंड हमारे पास हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं थी, एक यही हॉस्पिटल था जो इमरजेंसी में देखता था। तो रात के 3 बजे हम लेके गए थे बट हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए मैंने बहुत छोटी सी क्लिप ली थी ताकि एक मतलब सबूत अपने पास रखना चाहिए। और कभी भी आप हॉस्पिटल जाओ ना रात में भी, क्योंकि आजकल केस ऐसा बिगाड़ भी देते हैं ना, तो इसीलिए ये चीज़ें होती हैं। फिलहाल ये तो बहुत छोटा सा केस था भगवान की कृपा से, बट ये तो बहुत उसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। तो यहाँ पे वेद दर्द में भी रोया जा रहा था, गाया जा रहा था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो वंस अगेन वेलकम बैक। एंड आज है 25th और आज के दिन एक्चुअली होली मन रहा है मुंबई में, और ऐसा कई लोग बता रहे हैं कि यूपी में जो है आई थिंक होली नेक्स्ट डे मन रही है। आई डोंट नो रीज़न क्या है बट ऐसे आगे पीछे मन रही है। तो फिलहाल जो आज का दिन है, मतलब मैं बोल सकती हूँ बहुत ही वर्स्ट डे है, बिकॉज कल की रात जो बीती है ना, मतलब उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कैसा दिन रहा है हमारे लिए। आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि मैं अच्छा खासा गुजिया की तैयारी कर रही थी, मैंने मटरी बना ली, सब कुछ कर लिया था, बहुत कुछ सोच रहा करने के लिए। तो भले मतलब घर से दूर रहो बट एक होता है ना कि तीज त्यौहार है तो आपको घर पर बनाना जरूर चाहिए। तो मुझे ये था कि हाँ मुझे बनाना है और अकेले ही बनाना था, ये भी बात सही है। और गुजिया बनाना बहुत ही इरिटेटिंग काम लगता है, बट फिर भी मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, सारा काम करके वेद को अच्छे से सुला दूंगी, फिर आराम से वो 6-7 घंटे सोएगा अपने डैडी के साथ में, तो बीच में उसको थोड़ा बहुत फील कराती रहूंगी तो वो आराम से सोएगा, मैं अपना सारा काम कर लूंगी। एंड रात को मैं आई थिंक मुझे लगता है 9 बजे के करीब मैंने उसको मालिश करके अच्छे से पैक वैक कर दिया था, रेडी हो गया था, वो सो भी रहा था। अचानक से ना उसका मतलब शरीर बहुत ज़्यादा गर्म लगने लग गया, दिन हमने चेक किया तो 99 का फीवर लगा, तो चलो लगा कि चलो ठीक है। तो हमने जो है सिंपल सी एक दवा थी पैरासीटामोल थी वो मैंने दे दी जो है। एंड 11:30 के करीब उसका जो फीवर था वो डायरेक्ट 103 हो गया था। देन मैंने जो है किसी से पूछा, मतलब मेरे भाई है उससे मैंने पूछा, डॉक्टर है, तो उसने बताया कि जो है मतलब उसका डोज बढ़ाने के लिए, तो मैंने वो दिया। तो अगर उससे कंट्रोल होना होता तो हो ही जाता, बट थोड़ा बहुत आराम मिला उसको। मतलब जिस तरीके से उसकी शरीर एकदम जल रही थी, उसका सर्वर मतलब एकदम जैसे लग रहा था एकदम जल रहा हो, लग रहा था एकदम आग धधक रही हो हाथ रखने पे, तो वो चीज़ तो थोड़ी कम हुई। बट थोड़ी देर बाद मतलब 2 बजे के करीब ना उसको वापस से हल्का हल्का सा शुरू हो गया। और क्या होता है कि जब आपका बच्चा 1 साल के नीचे होता ना, तो ऐसे में जो 100 के ऊपर अगर आपका जो है फीवर जाता है बार बार या फिर बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, तो उसमें फिट से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो और ऐसा ये भी होता है कि लोग बहुत ज़्यादा पहना ओढ़ा देते, बट मुझे याद है कि मेरी डॉक्टर ने मैंने बहुत पहले ही पूछ रखा था कि कभी ऐसा कुछ हो। वैसे भी आपको अपने डॉक्टर से हमेशा इमरजेंसी के केस के लिए मेडिसिन रखनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि जब होगा प्रॉब्लम तो हम जाके डॉक्टर को दिखाएंगे। तो मैंने जो है अपने डॉक्टर से वैसे पूछा, उन्होंने बोला था कि कभी भी अगर बेबी को 100 के अबव फीवर हो या कभी भी फीवर हो, उसको कभी भी पैक करके आपको नहीं रखना, आपको एकदम कॉटन का कपड़ा पहनाना है, एकदम हल्का फैन ऑन कर देना है, मतलब स्पॉन्जिंग भी नहीं करनी है तुरंत तुरंत, जब अगर बार बार दवा देने के बाद भी फीवर नहीं उतरता तो स्पॉन्जिंग करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। बड़ों के लिए होता है बट छोटों के लिए नहीं होता है इतना ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हमने फॉलो की, उसको थोड़ा आराम मिला, बट 2-2.5 बजे तक जो है उसको थोड़ा सा पेन बहुत होने लग गया था। एंड मैं आपको बताऊँ, इस बीच में उसने वॉमिट भी किया, उसने खेला भी है, मतलब एक होता है ना कि बच्चों में एक होता है फीवर होने पर 104 मतलब मायने रखता है, तो उसका जो फीवर था इतना होने के बावजूद वो सिर्फ 10 मिनट सोया था, इसके बाद वो सुपर एक्टिव होकर के उसने खूब खेला है, उसको थोड़ा आराम मिला था। फिर उसने वॉमिट भी कर दिया क्योंकि लगातार वो फीड किया जा रहा था, तो फीड करने पर उसको जो है डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसने पूरा वॉमिट कर दिया अच्छे से। देन फिर वो थोड़ी देर खेला, उसके बाद वो थोड़ा सा पस्त सा हो गया, जब थोड़ी देर सोया है 10 मिनट ना, उसके बाद जो है फिर वो कराहने लग गया। तो मुझे लगा कि अब बहुत हो गया, दिखाना बहुत ज़रूरी है। मैंने सोचा था कि दिखाऊंगी मैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जिस जगह पर रहते हैं बहुत ही छोटी जगह है, मतलब मुंबई का एक ये आउटर पार्ट है, जगह बहुत अच्छी है ओवरऑल, बट यहाँ पे लाइक मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। तो फिर भी हमने हमारे कलीग हस्बैंड के, तो उनसे पहले से ही एक डॉक्टर का पूछ रखा था, तो पता चला था एक हॉस्पिटल है यहाँ पर जहाँ पर इमरजेंसी में डॉक्टर मतलब देख लेते हैं। और पहले तो हम ये डर गए थे, उन्होंने बताया था कि नर्स देखती है, तो थोड़ा सा हमें और भी डर था क्योंकि आजकल हॉस्पिटल इतने केस सुन रहे हैं ना कि मतलब मन में एकदम डर सा बैठ गया, और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी हॉस्पिटल जाने की। बट फिर भी 3 बजे के करीब हम यहाँ से निकले हैं गाड़ी से, एंड मैं पूरा तैयारी कर ली थी क्योंकि मुझे ये था कि अगर बहुत दिक्कत होगी तो हम एडमिट करा देंगे, क्योंकि क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा झेल चुका था। देन हम लोग गए वहाँ पर और उन्होंने इमरजेंसी, अच्छी बात ये थी कि उन्होंने इमरजेंसी वाले हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे उन्होंने इमरजेंसी के लिए बुला लिया था, मेन डॉक्टर नहीं थे बट जो दूसरे डॉक्टर थे वो थे, तो उन्होंने जाते ही फीवर टेस्ट किया। एंड जो ये टेस्ट होता है ये पॉटी वाले पोर्शन से होता है, तो होता क्या है कि फीवर जो हम लोग हमेशा अंडर आर्म से करते हैं तो बच्चों का फीवर उसे नहीं नापते, मैं पहली बार जानी हूँ।
अभी क्योंकि एज अ पेरेंट्स इस चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने चेक किया तो 104 समथिंग आ रहा था। देन उन्होंने एक मतलब दवा थी जो कि इंसर्ट की पॉटी वाले रास्ते पे ही, तो यानी कि जो है इंसर्ट कर दिया। उसके बाद जाकर के एक डेढ़ घंटे बाद इसका फीवर एकदम नॉर्मल हो गया, क्योंकि ऐसे केस में जो है क्या होता है ड्रिप वगैरह भी चढ़ती, इंजेक्शन भी लगता, बहुत कुछ होता है। बट थैंकफुली भगवान जी की कृपा से, पापा की कृपा से वो चीज़ संभल गई उस दवा से ही। एंड वहाँ पे डॉक्टर भी मिले तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह ली, उन्होंने बोला कि वायरल है बिकॉज मेरे हस्बैंड को भी वायरल हुआ। एंड उससे भी बड़ी बात, इसके कुछ दिन पहले मुझे वायरल हुआ था, उसको कुछ भी नहीं हुआ। एंड हस्बैंड को तो बहुत माइल्ड सा वायरल है, मतलब उतना तो हैवी नहीं जितना मुझे हुआ था। एंड उसमें भी जो है मतलब उसको हो गया। तो मतलब जो कल की पूरी रात है ना वो हमारी इतनी वर्स्ट रात रही, मतलब पूरी रात में जगी रही। 8 बजे के करीब मैं जो है बना रही थी मटरी, एंड उसके बाद 9-10 तक जो है 10 बजे के बाद से मैं सोई नहीं थी। एंड सुबह के 5 बजे हम वापस आए हॉस्पिटल से, जो है थोड़ा सा हमने वेट भी किया कि जब उतर जाएगा हम तभी जाएंगे यहाँ से, क्योंकि मुझे नहीं आता था वैसे चेक करना। तो हमने वापस से नर्स से चेक करवाया, देन उसका फीवर काफ़ी लो हो गया था, 100 पहुँच गया था। फिर हम घर चले आए थे। घर आने के बाद हस्बैंड की भी हालत ख़राब थी, क्योंकि बेचारे वो भी पूरा बहुत ज़्यादा सफ़र किए, बहुत साथ साथ में लगे रहे। बट फिर भी थोड़ा सा उन्होंने रेस्ट किया, थोड़ा सा बच्चे ने रेस्ट किया, देन तब जा करके थोड़ा सा इन लोग को आराम मिला। बट मैं तो बिल्कुल भी नहीं सो पाई थी, मुझे लगता मैं 7 के करीब सोई थी, 8 के करीब मेरी हाउस हेल्पर आ गई तो मैं फिर उठ गई। मतलब पूरा दिन नहीं सोई, पूरा रात नहीं सोई, सिर्फ 1 घंटा सोने को मिला, तब जा करके थोड़ा सा काम हुआ, फिर हाउस हेल्पर आ गई तो उसका मैं सो भी नहीं पाई। मतलब ओवरऑल जो हमारा कल का दिन था ना वो इतना वर्स्ट डे था ना कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ। और ये होली मेरे वेद के लिए बहुत ही बेकार रही। मतलब हमने पूरा प्लान किया था, हम लोग कल गए थे रंग लेके आए, उसके लिए पिचकारी लेके आए छोटी सी कि हाँ उसका फोटोशूट करेंगे। बहुत कुछ सोचा था कि हाँ चलो फर्स्ट होली है कुछ नहीं तो फोटोशूट तो करेंगे, उसको बीच पे ले जाएंगे घुमाएंगे, वो बहुत कुछ सोचा। बट बोलते ना सोचा हुआ कभी कुछ नहीं होता है। अभी ओवरऑल ये है कि बस उसको उतना फीवर दोबारा से ना आए, बट भगवान की दया से अभी कंट्रोल हो गई हैं चीज़ें। बट एक चीज़ बोलूँगी कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा, मतलब उसके अंदर मैंने देखा कि सहन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता था मेरे अंदर वो क्षमता बहुत है, लाइक होता है ना कि दो लोग मेरे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मुझे ऐसा था मैं ही हूँ। मतलब मुझे लगता है मेरा बच्चा मेरे पे से भी ज़्यादा अपने नाना जी पे चला गया, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अगर उनको फीवर है कुछ भी है कभी भी वो मतलब कराते नहीं थे, बहुत हमेशा खुश रहते थे। जब बहुत ओवर हाई चीज़ हो जाती थी तब बोल देते। तो सेम मैंने कल उसके अंदर वो चीज़ देखी कि वो छवि है उसके अंदर सेम, कि बहुत उसने खेला है रात में, इतना फीवर 104 में भी उसने एक्सेस लेवल का खेला है। हम पकड़ पकड़ के उसको जबरदस्ती लेके बैठ रही थी कि शांति से सो जाए, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, लेकिन नहीं सोया वो। तो इस चीज़ की मुझे खुशी है कि चलो बहुत कमजोर बच्चा नहीं, क्योंकि ऐसा होता ना कि जब ऐसी सिचुएशन होती है इसमें आपके बच्चे को जो है लो नहीं होना है, मतलब कि उसको उसको मतलब एक्टिव रहना है, रखना है किसी भी हालत में, उसको थोड़ी थोड़ी दूर पे पानी देते रहना है, गर्म पानी थोड़ा सा पिलाते रहना है। आप कुछ खिला नहीं सकते क्योंकि आप खिलाओगे तो वॉमिट कर देगा। एंड मेरे साथ यही गलती हुई कि जैसे उसको मैंने जो है 10 बजे के करीब दाल का पानी पिलाया था, एंड देन उसको लगा था मैं फीड कराती थी क्योंकि बहुत चिंचिला रहा था, तो मुझे लगा कि वो परेशान है कि तो उसको फीड करा देती, जबकि अब बड़ा हो गया तो मैं जनरली इतना ज़्यादा फीड उसको नहीं करवाती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके करवाती हूँ, क्योंकि अब उसकी जो डाइट है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। बट वॉमिट करने के बाद उसको भी थोड़ा हल्का लगा, बट मुझे लगा कि इतना छोटा सा बच्चा कल पूरी रात इतना कुछ झेल गया, फिर आज जाके थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। एंड अभी जो मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 4 बजे का व्लॉग है, मतलब क्या ही बोलूँ, दिन भी ऐसे पूरा बीत गया साफ सफाई में, इतना वॉमिट किया, ये कपड़े खराब वो कपड़े, ये सब करते 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 पूरा दिन हमारा बीत गया, हम कहीं नहीं गए। तो मुझे लगा कि चलो यार इस व्लॉग को पूरा कर ही देते हैं, क्योंकि होली इतनी वर्स्ट रही है तो उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। बट ओवरऑल आप लोग को मैं बोलूंगी अपनी तरफ से, वेद की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से हैप्पी होली आप सभी को। होप सो आप लोग की होली बहुत अच्छी रही होगी, मेरी नहीं अच्छी रही बट हो सो आप लोग की बहुत अच्छी रही होगी। एंड आगे आने वाले साल हमारे अच्छे जाएंगे, कोई बात नहीं, हमारा ये साल अच्छा नहीं गया, अगला साल हमारा अच्छा जाएगा। बट फिर भी अगर अभी उसको आराम तो है, मतलब उसको फीवर दोबारा से नहीं चढ़ा है, फिर भी हमने मेडिसिन दे दी है और उन्होंने बोला कि 3 दिन का आप कोर्स करो, क्योंकि जो उसको थोड़ा सा वायरल टाइप की ही चीज़ है, थोड़ा सा उसको जो है लाइक थ्रोट इन्फेक्शन भी हो गया, बिकॉज वो होता है वायरल का एक पार्ट है वो। तो हमने सोचा है कि अगर शाम तक सब कुछ सही रहा तो मैं उसको गणपति बप्पा के दर्शन कराने जाऊँगी, क्योंकि मैं कल इतना परेशान थी पूरे टाइम, सिर्फ नाम नाम, तो पूरे टाइम मतलब मुझे ये था ना कि बस भगवान को किसी तरीके से उसको सही कर दे, क्योंकि जो बड़ों का पेन होता है ना वो बता लेते, बट छोटे बच्चे कुछ नहीं बताते। वो अकड़ भी रहा था ना तो मुझे डर लग रही थी, क्योंकि जब फिट्स आते ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा अकड़ने लगते हैं, आँख पलटने लगती, बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत डर होता है उस चीज़ का। बट ओवरऑल उसको मतलब भगवान की कृपा से सब कुछ सही रहा, बालाजी की कृपा से। और बस इसलिए मैंने सोचा कि अगर वो सब कुछ सही रहा तो मैं उसको शाम को थोड़ा सा लेके जाऊँगी मंदिर में, उससे दर्शन करा के वापस ले आएंगे। बाकी ठीक है, कोई नहीं, त्यौहार है, हर साल आता रहेगा, ये साल बस सही हो जाए उसकी चीज़ें। बस यही कहना था, बाकी देखती हूँ। अभी तो फिलहाल वो सो रहा, तो मैं सोच रही थोड़ा सा काम ही कर लेती हूँ, बिकॉज
अभी हो त्यौहार है तो थोड़ा सा मैंने सोचा था गुजिया बनाने को, तो थोड़ा सा 8-10 बना के छोड़ दूंगी, बाकी बाद में बनाएंगे, कल सब कुछ सही रहा तो फिर कल बनाऊंगी। तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस बताना कैसा रहा, एंड आप लोग के साथ में अगर कुछ ऐसा हो आपके बच्चों के साथ में तो प्लीज़ मुझे बताना कि हाँ कैसा क्या ऐसे आप लोगों ने डील किया उस चीज़ से, बिकॉज ये मुझे लगता है 7.5 महीने का मेरा बच्चा हो गया है, एंड टच वुड जो है मेरे बच्चे को अभी तक फीवर कभी नहीं हुआ था, कभी भी नहीं। आई थिंक स्टार्टिंग में एक वैक्सीनेशन हुई थी तो डॉक्टर ने ही बोला था कि आप अपनी तरफ से बस दे देना, तो मैंने दे तो दिया था, थोड़ा सा 0.5 ml दिया था, बट उसके बाद मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया था एंड उसको फीवर चढ़ा भी नहीं, एंड मुझे लगता है उसके बाद से मैंने उसको कभी भी फीवर की दवा नहीं दी है, एंड ये फर्स्ट टाइम है जब उसको इतना फीवर चढ़ा है। मतलब उसको कोल्ड हुआ है, सब कुछ हुआ है, बट उसको कभी फीवर नहीं होता, एंड इस बार ऐसा हुआ कि एकदम रुला दिया, और हम बार बार जो है टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं फीवर, वो भी गलत बता रही, मशीन भी गलत बता रही, क्योंकि कई मतलब होता नहीं विघ्न जब आती है तो हर तरफ से आती है, बस ये वाली चीज़ है। तो बस ये ओवरऑल यही अपडेट था, वीडियो बहुत लंबी हो गई बट मुझे लगा कि नई अपडेट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता है यार ये भी एक एक्सपीरियंस है लाइफ का, हम भी कल को देखेंगे तो देखेंगे हम कितनी चीज़ों से फेस किए थे, तो यही सारी चीज़ें हैं। बट अभी सब कुछ ठीक है, ओके है, देखते हैं शाम तक जैसा रहेगा फिर आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस फाइनली अभी शाम के जो है 6:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, बिकॉज कुकू को दोबारा से जो है फीवर नहीं चढ़ा है थैंकफुली, तो जा रहे हैं पापा के दर्शन कराने के लिए, क्योंकि मैंने कल मन्नत मांग ली थी बहुत घबरा गई थी, और कुकू एकदम नया एकदम कपड़ा पहन के एकदम रेडी हो चुका है सुंदर सुंदर सा, इनको अन्नप्राशन गिफ्ट मिला था, और फिलहाल इनका जो एथनिक कपड़ा था वो नहीं पहन पाए बिकॉज थोड़ा सा लग रहा था मुझे इरिटेट होगा। तो अभी जाएंगे भगवान जी को जो है पहले अभीग लगाएंगे, इनकी पहली होली है तो सबसे पहले भगवान जी से, इतना अच्छा क्यों मुंह बनाया, अभी तो हंस रहे थे खेल रहे थे गुगू गुगू, हैप्पी होली बोल दो उसके लिए, इसलिए तो इनके लिए पिचकारी आई थी, सब कुछ आया था बट सब कुछ धरा का धरा रह गया, बट ठीक है अभी व्हाइट कपड़ा पहन के जा रहे हैं, थोड़ा सा भगवान जी के साथ होली खेलेंगे अपनी पहली होली और अगले साल से अच्छी वाली होली ना, तो चलते हैं मंदिर चलते हैं। निखिल क्या तुम लेके आए हो, ये बाबू के साथ खेलने आए थे, तो निकल आए हुए हैं जो है बाबू के साथ जो है बलून से खेलने के लिए, लेकिन बाबू की तबीयत नहीं सही है, ये तो बाबू भी अभी लगाएगा लेकिन आ करके है ना, बोलते भैया अभी आना हम लोग खेलेंगे ठीक है। और ये कौन है, अपना नाम नहीं बताया तुमने बाबू, शांत हो गया है, उसको नींद लग गई है, सुन लो बाबू उसको नींद लग गई है, हेलो। तो गुगु ने अपनी पहली जो रंगोली है खेली है भोले बाबा के साथ में, छोटे से हाथ में छोटा सा रंग लगा हुआ है भाई, इधर आओ गुगु इधर आओ, चलो टच करो टच करो टच करो, ये देखो ये देखो रंगोली, वाह हंसी कर दिया। तो यहाँ पे गुगू खेल चुके हैं होली और यहाँ से हम निकलेंगे घर की तरफ प्रस्थान करेंगे, और थोड़ा सा इसका मन से ही हो गया, हमारा भी हो गया, पापा के दर्शन भी हो गए। क्या दर्शन करके एनर्जी आ गई गुगु को, बच्चा
तो फाइनली गुगु और हम आ गए हैं घर। गुगु को बहुत ज्यादा मजा आ गई है बाहर जाके। अपना आउटफिट तो दिखा दो। ओ टी टी क्या है आज का तुम्हारा होली का? रिसर्च कर रहे हो कोई? बाप रे बाप, बाप रे बाप, इतना प्यार नहीं कोई कहा था यार तुमको करने को? इतना तो मैंने तुम्हारे पिताजी को नहीं कहा जितना तुम कर डाल रहे हो। हाँ बाबू ये खा लेगा मुझे। लो ये खा लेगा मुझे, इसको खाना खिलाओ। अच्छा ये लो। अरे भाई अपना गेम दिखा दो। बहुत जल्दी है भैया को बोलने की। भाई बोल दो। अच्छा गुगु गुगु ये 104 का फियर उतरने के बाद की जो है एक्साइटमेंट है कि कैसे गुगु के अंदर इतनी एक्साइटमेंट आ गई है कि बस ओवरलोड हो गया सब कुछ। थक गया।